मेहता वापस आ चुके हूँ। सुशांत सिंह राजपूत यानी कि मेरे भाई, मेरे नेशन के भाई सुशांत सिंह राजपूत के बारे में वापस बात करने यहाँ पे आज मैं बात करना चाहती हूँ। आनंदी धवन जो कि बहुत ही ज्यादा अभी पॉपुलर हो रहा है ये मामला, ये कहा जा रहा है कि आनंदी धवन कहाँ है, ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेचर पे जिस बॉडी को लिया जा रहा था, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को जब ले जाया जा रहा था, देयर वाज सीन कि और एक बॉडी उसके साथ रखी गई है जिनके बाल दिख रहे थे। टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसी वीडियोस मैंने नहीं देखी है तो मैं उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकती। क्यों नहीं देखी आप सबको बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज आई कैन नॉट सी मोर वीडियोस, मैं कुछ ज्यादा नहीं देख पा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं चल रहा है तो मेरे दिलो दिमाग में या मेरे जहन में नहीं है, सब कुछ है। रही बात, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आनंदी धवन इज स्टिल अलाइव। 9 जून को उसकी कुछ फोटोग्राफ्स थी उसके फैमिली यानी कि फ्रेंड उनके पापा और उनके भाई के साथ, तो 9 जून की थी। फ्लाइट्स बोल के एक चीज होती है जिसके दौरान मतलब वो आया जाया बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी कर सकते हैं। रही बात ये स्ट्रेचर पे जिसके बाल थे, हो सकता है ये आनंदी धवन हो, क्योंकि ये आनंदी धवन बहुत जगहों पर टैग की गई है बाय रिया चक्रवर्ती। किसी फोटोग्राफ्स में नीचे कर्टसी बाय आनंदी धवन, बहुत कुछ, जैसे कि आनंदी धवन इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। उस दौरान अचानक आनंदी धवन कहाँ चली जाती है ये किसी को अभी तक पता नहीं चलता है। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती सीबीआई, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी बहुत बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, बट मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि क्यों आप लोग ने रिक्वेस्ट की सीबीआई होकर, आपने क्यों रिक्वेस्ट की मुंबई पुलिस को कि आप रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन दे, जबकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती इज अ वुमन जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। बिना प्रोटेक्शन के भी वो प्रोटेक्टेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, दैट सकिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र पुलिस। तो उनके लिए प्रोटेक्शन मत मांगिए प्लीज, एंड उनको प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग फरार होते हैं वापस आते हैं, ये सब प्लान्ड है। रही बात मैं मिस्टर खत्री की बात करना चाहूंगी, जो भी उसका नाम है, मिस्टर ए खत्री, द डैश खत्री, जो कि सूरज पांचोली के बेस्ट फ्रेंड है। एंड ये बेस्ट फ्रेंड को काफी वीडियोस में देखा गया जब वो सुशांत सिंह राजपूत को धक्के दे रहा है। एंड क्या आप लोगों ने उस वीडियो में सुशांत का चेहरा देखा, विच वॉज क्लियरली मैंशनिंग दैट आई नीड हेल्प। इट वॉज समथिंग के वो बच बच के जा रहे, ही वॉज नॉट हैविंग दैट स्माइल, दैट ब्यूटिफुल स्माइल विच ही ऑलवेज यूज टू वेयर। वो इंसान छुप रहा था, वो धक्के खा रहा था उस इंसान से, मिस्टर खत्री से। वो खत्री, वो जो भी है, उसे क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? और हमें ये तक पता चल गया है कि वो दाऊद का राइट लेफ्ट हैंड है, तो वो राइट हो या लेफ्ट हो, वो जिससे भी काम करता हो उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? सूरज पांचोली को इंटेरोगेट क्यों नहीं किया जा रहा है? वापस क्यों नहीं बुलाया जा रहा है सीबीआई? मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ, क्यों आप सूरज पांचोली को नहीं बुला रहे हैं, हु इज अ गुड फ्रेंड, अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ दिस खत्री। दिस खत्री बाबा हैज टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सीबीआई है, उसको डर बनना चाहिए। क्यों डर नहीं लग रहा है उससे? क्यों वो फरार है? क्यों आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो? ये नीरज, सिद्धार्थ, रियाज, सब कुछ हो रहा है, क्यों ये खत्री को नहीं पकड़ा जा रहा है? आप मत डरिए, आपके साथ पूरी जनता है, फौज है, फौज। आप लोग मत डरिए, रिक्रिएशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन या उनके घर जाके रिक्रिएट करना, दैट्स ऑल राइट, बट इट्स टू लेट। हमें बहुत लेट से आपकी मदद मिली है, तो आप लोग भी जानते हैं कि काफी काफी सारे सबूत मिटा चुकी है मुंबई पुलिस। वो मुंबई पुलिस जो कितनी गिरी हुई है, उनकी गिरी हुई हरकतों का गिनना इज इम्पॉसिबल, उनका काउंट में नहीं आ रहा है, इतनी गंदी हरकतें की है उन्होंने। अगर ये आनंदी धवन उस स्ट्रेचर पे थी तो ये भी मुंबई पुलिस की वजह से थी, क्योंकि मुंबई पुलिस ने वो भी छुपाया कि आनंदी धवन की बॉडी भी लिया जा रही है। 2 एम्बुलेंस थी हमें ये पता है, तो 2 एम्बुलेंस क्यों बुलाई गई थी,
क्या हो रहा है, सीबीआई ये सब जांच आपको करनी चाहिए, महेश भट्ट को वापस बुलाइए इंटेरोगेट करने के लिए, क्योंकि इंटेरोगेशन जो मुंबई पुलिस ने की थी वो बस चाय पानी पिलाई थी। महेश भट्ट ने कह दिया होगा भाई तेरे को मैं इतना पैसा दूंगा, तू इंटेरोगेशन मत कर मेरा, मैं बैठा हूं, मुझे चाय नाश्ता दे दे। नो बॉस, इट्स टू मच। नार्को टेस्ट की बात हो रही थी, सीबीआई वी वॉन्ट टू नो क्या हो रहा है, वॉट आर दी अपडेट्स। रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, इस खत्री को पकड़ो, सूरज पांचोली को इंटेरोगेट करो, सलमान को बुलाओ, क्योंकि सलमान इज कनेक्टेड टू सूरज। वाई? बिकॉज सूरज इज द सन ऑफ आदित्य पांचोली, आई गेस, राइट? पता नहीं किसकी औलाद है वो, किसकी औलाद है, बिकॉज इन लोगों का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। चार चार शादी करके बैठते हैं महेश भट्ट की तरह। महेश भट्ट ने तो मुस्लिम धर्म निभाने के बावजूद भट्ट रखा है। अगर आपने किसी धर्म को अपनाया है तो उसको रिस्पेक्ट करो, उसको रिस्पेक्ट करो। आप अगर मुस्लिम धर्म अपना चुके हो तो आप मुस्लिम बन चुके हो, तो क्यों भट्ट करते हो? जहां आप एक धर्म को नहीं अपना सकते हो, आप बीवियों को क्या अपनाओगे, किसी इंसान को क्या अपनाओगे? और ये अश्लील वीडियोस देखती हूं मैं, जहां पे रिया और तुम यानी कि महेश भट्ट एक दूसरे के साथ इतने करीब हो, अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी है, तुम्हारी बेटी की बेटी आने वाली है, इतनी उम्र हो चुकी है, अब तो शर्म कर बुढ़े साले, खेल पैदा कर रहे तू। और रिया चक्रवर्ती, तुम कितने दिन तक बैठोगी घर पे? सीबीआई तो तुम्हें रोज बुलाएगी और रोज जाना पड़ेगा तुम्हें। और क्या कहा तुमने अपने इंटरव्यू में, वो कौन है, राजेंद्र सर देसाई? अबे एक कुत्ते, जहां का भी है तू वहीं पे बैठ, समझा क्या? राजेंद्र सर देसाई द डॉग, यू आर अ डॉग। तुम उसको प्लेटफॉर्म देते हो रिया को बोलने के लिए, क्यों बेटा तेरे साथ भी सोई है ना, तूने भी अपने लिए एक रखेल पैदा कर ली है ना, अरे वो तुझे भी खा जाएगी। सर देसाई अपने को भी बचा ले, इतनी गंदगी में मत घुस कि तू उठने के लायक ना रहे। तूने उसको प्लेटफॉर्म दिया, उस लड़की को जिसके ऊपर लांछन लग रहे हैं, जिसके खिलाफ इतने सारे सबूत है, शी इज इन टू अ ड्रग रैकेट एज वेल। वो कौन है गौरव? उसने खुद अपने जबान से बोला कि उसने रिया को मिला है बट सुशांत से नहीं। तो आप मिस रिया ये जो स्टोरी बना चुकी है कि ही वॉज इन अ डिप्रेशन, ही वॉज इन अ डिप्रेशन, ही वॉज अ बाइपोलर, तो वो आप हैं। बाइपोलर आप हो, डिप्रेशन में आप हो, यू नीड अ डॉक्टर। गो टू दिस करसी चावड़ा, जो आपका जो बॉयफ्रेंड है महेश भट्ट, उसका यार लगता है, जा उधर और तू भी वही मेडिसिन खा के देख, तू भी साली कुत्ती डिप्रेशन में आएगी। और मैं चाहती हूं तुझे ऐसा डिप्रेशन हो, ऐसा डिप्रेशन हो और तुझे सुशांत की आत्मा आके मारे। मे बी आई एम साउंडिंग फूल बट नो, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम स्पीकिंग द फैक्ट। ये हो सकता है और होगा, इससे पहले कि तुझे वो मारे तू अपनी जबान खोल और सच्चाई उगल। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, वो लोग तो अब हमारे सपोर्ट में हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो बच नहीं सकते सीबीआई से, जनता से। झूठ अब उनके ऊपर हावी हो चुका है, अब उन्हें सच्चाई उगलनी ही पड़ेगी, इसलिए वो अब हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट सक्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तू बैठी रह, तेरे जैसी गवर्नमेंट कोई काम की नहीं है, बैठी रहे। और अबे ठाकरे साले, जहां पे भी बैठा है तू उठ, सच्चाई उगल, सच्चाई। ज्यादा दिन तू भी नहीं बैठ पाएगा सीबीआई। वाई दो हेल यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग टू आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे? मुझे क्वेश्चन है आपसे भी, क्यों नहीं आप उन लोगों को इंटेरोगेट करते? क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई आप ये सब? आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंटेरोगेट आदित्य एंड उद्धव ठाकरे, दोस्त टू डॉग्स। इंटेरोगेट सूरज पांचोली, इंटेरोगेट महेश भट्ट, वाई आर यू नॉट डूइंग दिस? नार्को टेस्ट करवा के इन लोग से उगलवाओ, ये लोग चमड़ी, उन लोग की मोटी चमड़ी है, निकलेगी नहीं। और अगर आप लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट से या किसी ठाकरे के बच्चे से डर रहे हो तो आप लोग भी बैठ जाओ, हमें जरूरत नहीं है, आप लोग भी बैठ जाओ। रही बात ये रिया, अगेन रिया चक्रवर्ती की, तुम्हें आई लव यू का मतलब भी पता है? जो पांच लड़कों को आई लव यू बोल चुकी है, जो हमेशा हर लड़के को बोलती है कि तुमसे बेटर कोई नहीं है, साली चुपचाप बैठ। और मुझे याद आया
किसी मिस राउत ने, इट वॉज मुनी राउत और समथिंग, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, बट मिस राउत ने बहुत अच्छा एक कमेंट करा था 16 जुलाई को. क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने एक महीने दो दिन के बाद उसके उसके पास्ट बॉयफ्रेंड यानी कि सुशांत सिंह राजपूत, विच इज अ र्यूमर, क्या था वो नहीं पता है रिश्ता, बट उनका एक फोटो रखा था एंड मिस यू वगैरह कुछ लिखा था वहां पे. इस मिस राउत ने बहुत अच्छी चीज लिखी, उन्होंने कहा कि खुदकुशी करो वरना मैं किसी को भेजूंगी जो तुम्हें मारेगा और तू डिप्रेशन में आएगी. इसको सुनते ही रिया का अंदर से खोल जाता है खून और वो लिखती है इट्स अ क्राइम, यू कांट डू दिस, डू यू नो द सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर, आप ऐसे कैसे बोल सकती है, इट्स अ क्राइम, आप ये कैसे बोल सकती है आप किसी को भिजवाएंगी, अगर मैंने सुसाइड नहीं किया तो आप किसी को मर्डर करने भिजवाएंगी. बेबी भूमिका मेहता भी यही बोल रही है कि अब तू सच्चाई उगल, अगर सच्चाई नहीं उगलेगी ना तो मैं भी किसी को भेजूंगी तुझे मारने के लिए. मैं बोलती हूं, भूमिका मेहता बोलती हूं, एक मामूली सी जनता, मैं क्या पूरी जनता की आवाम बोल रही है, सच्चाई उगलो वरना हम सब मिलके तुझे मारेंगे, पकड़ पकड़ के मारेंगे, तेरे माँ बाप को भी मारेंगे साली, तेरे भाई को भी मारेंगे, डिप्रेशन में तुम लोग जाओगे अच्छे खासे साले, तुम लोग अच्छे खासे डिप्रेशन में जाओगे और लायक हो, सुधर जाओ, सुधर जाओ. एंड आनंदी धवन इज अलाइव और नॉट, वेयर इज शी इफ शी इज अलाइव एंड वेयर इज शी इफ शी इज नॉट अलाइव, क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? सीबीआई ये सारी जांच आपको करनी चाहिए और आपको करनी पड़ेगी. हम लोगों ने आपके लिए इतना कुछ बोला है, नो सीबीआई नो वोट, वी वांट सीबीआई इंक्वायरी, सो वी वांट द रिजल्ट्स, क्योंकि हम जनता आपके ऊपर इतना भरोसा कर चुके हैं, आप भरोसे को टूटने मत दीजिए. आपके सामने हाथ जोड़ रही हूं, इस भरोसे को मत टूटने दीजिए सीबीआई और रिया चक्रवर्ती और सारे खूनियों को इंटेरोगेट करना बंद करिए, उन्हें गिरफ्तार करिए, उनके ऊपर नार्को टेस्ट करिए, उनके ऊपर थर्ड डिग्री अपनाइए. यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, प्रूव अस दैट वी वर सेइंग सीबीआई इंक्वायरी एंड यू मेड इट वर्थ. प्लीज प्लीज खत्री को ढूंढिए, उस खत्री को ढूंढिए, उस सूरज पांचोली को पकड़िए. दिशा सलियान का भी मर्डर हुआ है. मैं इकलौती लड़की जो टिकटॉक से चालू हुई थी ये बोल बोल के, परवीन बाबी, दिशा सलियान, दिव्या भारती, कितने लोगों का नाम मैंने लिया है, तब जाके आप लोग ने मुंह खोला है. मत भूलिए जनता कि आई वॉज द वन हु सेड दैट वी नीड टू हैव दिस क्लैरिटी ऑल्सो, दैट दिशा सलियान वॉज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड, इट वॉज ऑल्सो प्री प्लान मर्डर. जो लड़की खुश है, जो अपने माँ बाप के लिए एक फ्लैट निकाल रही है, टोकन मनी देके आई है, वो कैसे मर सकती है? एंड द सेम गोज विद दिव्या भारती एज वेल. क्यों ये सब नहीं जाना जा रहा है? क्यों जिया खान को भी मारा गया था एंड दिशा सलियान वॉज न्यूड? वो कोई पागल है कि न्यूड होके वो सुसाइड करेगी? कुछ हुआ है. वाई द हेल यू गाइज आर नॉट सेइंग एनीथिंग? और थैंक यू टाइम्स नाउ, फाइनली कुछ तो सच्चाई उगली. मैं अपनी हर वीडियो में कह रही हूं कि 8 जून को रिया ने खाली थोड़े देर के लिए, थोड़ी देर के लिए निकली थी, बट शी वॉज देयर इन द हाउस ऑन 12 जून. मैंने सबूत के तौर पर अपनी वीडियो भी डाली है लिंक में, लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने रूमी जाफरी का स्टेटमेंट भी डाला है दैट ही स्पोक टू रिया एंड सुशांत द सेम वेरी टाइम ओवर द कॉल एंड दे वर देयर इन द हाउस. अब टाइम्स नाउ को एक केक वाला पिक्चर मिलता है जो सुशांत के घर में है. अब तो यकीन करो यार, 8 जून को वो चली गई थी दिखावे के लिए, बट शी वॉज देयर ऑन द 12 जून. क्यों ये टॉपिक नहीं लाया जा रहा है? एंड मैंने कहा था रिया चक्रवर्ती के घर का भी सीसीटीवी निकालो, अगर वो गई है या आई है तो उसमें वो भी दिखेगा. सारे सीसीटीवी कैमरा खराब नहीं हो सकते. 8 जून का सीसीटीवी कैमरा तो खराब नहीं था, उसके घर का, सुशांत के घर का, निकालो ये सब निकालो. और हमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो सुशांत को किस नाम से रखती थी, हमें ये इंटरेस्ट है कि उसने क्या किया. 8 हार्ड सीडीज, हार्ड डिस्क, आई एम सॉरी, उसने 8 हार्ड डिस्क को तोड़ा, लेके क्यों गई वो 8 जून को, क्या था उसमें, निकालो. द फैक्ट हैज टू बी रिवील्ड. इट्स टाइम, इट्स अ हाई टाइम. सीबीआई, यू नीड टू डू समथिंग वेरी फास्ट. हमारे भरोसे को मत तोड़िए, मत तोड़िए, मत तोड़िए, मत तोड़िए, प्लीज. जय हिंद.